आपको पता होगा कि मेरा नाम आफ्ताब अहमद है और मैं हर रोज व्लॉग बनाता हूँ। तो आज आपको मैंने एक और चीज़, नई चीज़ दिखानी है। वो है कि मेरी अम्मी है जो वो तंदूरी जला रही हैं, अभी रोटियां बनानी है थोड़ी देर के बाद, तो वही आपको मैंने दिखाना है। तो अब आपको मैं शुरू से दिखाता हूँ कि अभी वो माचिस लेने गई हुई है। ये देखो आग जल गई है और ये अब सही करके, आग लगी नहीं है अभी तक, लग जाएगी। ये देखो ये मेरी अम्मी ने खुद बनाया है नीचे से। ये देखो ये नीचे से जो इसका स्टैंड है दूरी का, ये मेरी अम्मी ने बनाया है। अभी तक आग जल ही रही है, ज्यादा नहीं जली, तो जब रोटियां लगेंगी फिर भी आपको दिखाएंगे। अभी ज्यादा आग हो गई है। ये भी हमारा घर है, ये हमने किराए पे दिया हुआ है और वो किराएदार पता नहीं कहाँ गए हुए हैं। इधर मैंने खुद ही पौधा लगाया है छोटा सा, ये आपको जूम करके दिखाता हूँ। इसको अभी मैंने पानी डालना है। अम्मी पानी चाह दें, भी देखना आप, पानी मैं इसको डालूंगा। ये क्यों नहीं सही जगह पर गया, ये इतनी छोटी सी बाल्टी है इसीलिए आपको नजर आ रही है बड़ी। एलमी तो वो लोग पता नहीं जाते हैं और वापस ही नहीं आते, इनका कोई पता नहीं है। देखो अभी भी ताले लगे हुए हैं, ये बड़ा हो जाएगा ना जब तो आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखो इधर से बहुत गर्म हवा आ रही है, नीचे उतर जाता हूँ। तो ये देखें अब रोटियां लग रही हैं। ये देखो एक रोटी अंदर खड़ी है, अभी अभी अम्मी उतारेगी। ये देखो ये देखो ये इनको क्या कहते हैं, पेड़े। ये देखें अम्मी बना रही हैं। ये इधर अंदर लगा देती हैं, ये देखो अंदर खड़ी है। ये कितने मिनट तक पक जाएगी? अभी पक गया। ओ एक तो अंदर ही गिर गई, चलो उठा लिया। तो ये देखो ये अब दूसरी लग गई है, वो पहले वाली भी खड़ी है अभी तक इधर। वो कितनी अम्मी रोटी पक गई है? ये चार पक्की पक गई, चार पक गई हैं और तीन, और तीन छ, छ और पकानी है, 10 रोटियां पकानी है। देखो इधर एक और लग गई है, अभी अबू भी आने वाले हैं, तकरीबन 11:30 बजे आ जाते हैं, तो फिर मिलकर रोटी खाएं। ये देखो पांच पक गई हैं अभी।